दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बजट में की गई पेश योजना के बारे में। बात कर रहे हैं किसान कल्याण योजना के बारे में, जिसे किसान सम्मान योजना भी कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए वार्षिक जो है पैसे दिए जाएंगे कुछ आर्थिक सहायता के रूप में। तो दोस्तों इस योजना का जो है क्रियान्वयन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और मार्च में इसकी पहली किस्त डल भी जाएगी, ऐसा अधिकारी को कहना है 31 मार्च। उसके लिए लिस्ट बनना शुरू हो गई है। तो किन किन किसानों को इसमें रखा गया है, इनको नहीं थोड़ा जान लेते हैं आप भी इसमें पात्र है या नहीं। शुरू करते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करना चाहूंगा आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बजाय करना शुरू हो जिससे अपडेट रहे आप सभी खबरों से। चलते अपडेट की ओर। क्या अपडेट है कि 6,000 रुपए देने वाले किसानों की बनने लगी है सूची। दोस्तों किसानों के बैंक खाते आधार एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी एकत्र की जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा बजट की किसानों को 6,000 रुपए की मदद के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की घोषणा की गई थी, इसलिए इनकी सूची तैयार हो रही है और महाराष्ट्र में योजना का क्रियान्वयन आरंभ हो गया है। योजना का लाभ लेने के लिए गांव स्तर पर पात्र किसानों की सूची तैयार होना शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान विभागीय आयुक्त डॉक्टर साजीव और संजीव कुमार, जिलाधिकारी अश्विन गुगल, राजस्व उपायुक्त सुंदर तेलंग और विभागीय कृषि संचालक भोसले निवास, उप जिलाधिकारी रविन्द्र खजान जी मौजूद थे। दोस्तों जिलाधिकारी मुगल ने इस अवसर पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ देने के लिए अल्प भूधारकों की सूची तैयार करने का काम आरंभ हो चुका है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को अनुदान देने की प्रक्रिया भी क्षेत्रीय स्तर पर आरंभ हो चुकी है। वहीं किसानों के बैंक खाते आधार एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी एकत्र की जा रही है। दिनेश कुमार जैन ने इस दौरान योजना के लिए पात्र किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए जल्द सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए थे। दोस्तों योजना के तहत पात्र किसानों को वर्ष भर में 2,000 की 3 किस्तें 6,000 रुपए के रूप में दी जाएगी और बात समितियों का गठन कृषि सम्मान योजना को पारदर्शिता रखते हुए उसके जल्द ही क्रियान्वयन के लिए समितियों का गठन किया जा रहा है। यह समितियां जिला तहसील एवं ग्राम स्तर पर काम करेगी। जिला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता जिला अधिकारी करेंगे और जो यह योजना है इसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह की जाएगी। दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला अधीक्षक, कृषि अधीक्षक, जिला डोमेन एक्सपर्ट, जिला उप निबंधक सहकारी संस्था, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी इसके सदस्य होंगे और निवासी उप जिला अधिकारी, समन्वयक अधिकारी, नोडल अधिकारी व दायित्व निभाएंगे। ग्राम स्तरीय समिति किसान के नाम तय करेगी जबकि तहसील स्तरीय समिति शिकायतों का निपटारा करेगी। देखिए कुल मिलकर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर से पंचायत स्तर से सूची जाकर जो है जिला स्तर तक जाएगी, जिला स्तर से ऊपर तक केंद्र सरकार तक सूची जाएगी और प्रत्येक किसान को जो है 31 मार्च तक पहली किस्त दे दी जाएगी इस योजना की, किसान सम्मान योजना की। यदि आप इसमें पात्र है, 5 एकड़ से कम की आपकी भूमि है तो आप भी अपनी पंचायत में संपर्क करें और इस सूची में अपना नाम देखें आया है आपका नाम इसमें जा रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस बारे में जानकारी अवश्य लें। वैसे 5 एकड़ से अधिक किसानों का नाम इस सूची में नहीं आएगा। तो यदि प्रमुख जानकारी, सूची बनने का काम शुरू हो चुका है, 31 मार्च से पहली किस्त आएगी, यह प्रमुख अपडेट था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि सभी किसान भाइयों को यह जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।